मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर साहब, बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता भी हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मसले पर आज हम उनसे बात करेंगे। सर, बड़ा मसला चल रहा है, जून 2018 से आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के जो तमाम खाते हैं वो सीज हैं। 21 लाख जो निवेशक हैं, 4 लाख एजेंट हैं, वो परेशान हो रहे हैं। क्या मांग उठाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले जो निवेशक हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो भी निवेश किया है उसको हम डूबने नहीं देंगे। जहां तक गड़बड़ी करने वालों का प्रश्न है तो ये मोदी सरकार है, और मोदी सरकार में जिस जिसने गड़बड़ी की है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा है। मैं आपको इतना भरोसा दिलवाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी निवेशकों को भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि मैं इस मुद्दे को कृषि मंत्रालय भारत शासन और वित्त मंत्रालय भारत शासन के समक्ष ले जाऊँगा, और मैं इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाऊँगा। हमारे लोकसभा क्षेत्र के कई निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, और जिसमें जो हमारे निम्न आय वर्ग के भी लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, तो मेरे पूरा प्रयास रहेगा कि हम निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलवाएं। सर, नरेंद्र सिंह तोमर साहब इसके मिनिस्टर हैं, मध्य प्रदेश से ही आते हैं और आप भी उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनसे कोई आप अपील करेंगे, बात करेंगे? मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब जो हमारे भारत शासन में कृषि मंत्री हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल करके पूरा विषय उनको समझाऊंगा, और मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी पूरा विषय समझाऊंगा, और इसमें दोषियों के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी पर निवेशकों का हम पैसा वापस लौटाएंगे। सर, इसमें लिक्विडेटर अपॉइंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर संचालक मंडल नियुक्त हो जाए गवर्नमेंट की ओर से तो शायद निवेशकों को राहत मिल जाएगी। इस संबंध में कोई आप मांग उठाएंगे? ज़रूर, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिससे हमारे निवेशकों का पैसा शीघ्रातिशीघ्र उनको वापस मिले। तो आपने डामोर साहब को सुना, सांसद हैं बीजेपी के और आश्वस्त कर रहे हैं निवेशकों को, एजेंटों को, कि उनकी कमाई का पैसा वापस दिलवाया जाएगा, और वो तमाम प्लेटफॉर्म पे जहां वो अप्रोच कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। उम्मीद रखिए उनके प्रयास शायद आपके जीवन में रंग भर दें। बने रहिएगा आप सिविल लाइफ के साथ।